हेलो फ्रेंड, तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वेगनार पे, जो 9 ईयर्स ओल्ड वेगनार है जो हम लोग फुल डेंट पेंट करेंगे। राइट साइड का दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, अंदर घुस गया है, और लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही काफ़ी स्क्रेचेस और डेंट, छोटे छोटे डेंट्स पड़ गए हैं। पूरी गाड़ी पे इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा डेंटिंग का काम भी है। पैनल पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रेचेस, काफ़ी ज़्यादा छोटे डेंट काफ़ी ज़्यादा पड़ गए हैं, तो उसको हम लोग रिपेयर करेंगे पूरा। और पैनल का कलर भी फेड होने लगा है थोड़ा, दोनों बम्पर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस नीचे से टूट भी गए हैं। और बोनेट पे किसी ने पेंट किया था तो पेंट फूलने लगा है, तो उसको भी हम लोग सही करेंगे, उसको भी ग्लेंडर से निकाल देंगे पूरा। बम्पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हो गए हैं। यहाँ पे हमारा डेंटिंग का प्रोसेस पूरा शुरू हो चुका है। दरवाज़ा जो है आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह से कितना ज़्यादा डैमेज है, कितना डेंट हुआ इसमें। यहाँ पे हमारा फाइनली दरवाज़ा जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि खाली स्पॉट का काम हमारा रह गया है। जो कि दरवाज़ा जब लड़ते हैं, जो कोई पैनल अगर लड़ जाता है, ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो उसकी चादर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेंटिंग में फूल जाती है। तो उसको हम लोग जो है स्पॉट दे के उसको बराबर कर देते हैं कि लपक नहीं आना चाहिए, कि कोई टेग लगा या कुछ भी हो, तो दरवाज़ा बैठना नहीं चाहिए, डेंट्स नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारा दरवाज़ा पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा बॉडी फिलर का काम चलेगा। यहाँ पे हमारा बॉडी फिलर काटने का काम शुरू हो चुका है। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, तो इस वजह से हमको काफ़ी समय लग गया उसको लाइन डोर पे लाने में, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी उतरी है। इस पर हम लोग ने मेहनत करी, गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी उतरी है, फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे हमारा पुट्टी फिलिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो चलेगा वो प्राइमर का होगा, और प्राइमर का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी पर, ताकि यह पेंट अच्छे से बॉन्ड कर जाता है उस पर। प्राइमर चाहे पूरी गाड़ी पे हो या पैनल हो, तो प्राइमर मारना बहुत ज़रूरी होता है कि पेंट अच्छे से बॉन्ड कर जाए उस पर।
तो यहाँ पे हमारा फाइनली प्रोसेस शुरू हो चुका है पेंट का, जो प्यू पेंट होता है तो उसका प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे पूरी गाड़ी पे हम लोग इसी तरह से पेंट करेंगे। गाड़ी पे जो कलर है वही कलर ही हम लोग ने इस पे पेंट किया है, क्योंकि छत पेंट नहीं होगी इसकी, खाली दोनों साइडें और पूरी गाड़ी होगी नीचे नीचे, और छत छोड़ कर ही पेंट करेंगे इसको हम लोग। गाड़ी की छत से कलर अलग नहीं होना चाहिए, अगर पेंट कराते हैं तो खास करके ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिए। तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्लियर कोट का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम पूरी गाड़ी पे दो कोट करेंगे, पूरी गाड़ी पे हम लोग दो कोट क्लियर कोट करेंगे, एकदम फिनिश कोट करेंगे दोनों। तो गाड़ी का आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी उतरी है, और पिछला डोर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज था, जो हम लोग ने इसको रिपेयर किया है तो कहीं से पता नहीं चल रहा है कि एक्सीडेंटल था, रिपेयर किया हम लोगों ने इसको। गाड़ी पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, तो इसलिए हमारा फाइनल रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। गाड़ी सभी को अच्छी लगी है, तो हम लोग की ज़्यादातर सभी गाड़ियाँ हम लोग ने बहुत अच्छी उतारी हैं। जो भी हम लोग पेंट करते हैं तो गाड़ी सभी बहुत अच्छी करते हैं, कोशिश यही रहती है कि कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम लोग पेंट से पहले हर एक पैनल को चेक कर लेते हैं कि कोई कमी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।